हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं या अनफॉलो करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मेरे को बहुत लोगों ने फॉलो किया है, इनमें से मैं एक को भी फॉलो करता हूँ या लाइक करता हूँ तो उसमें कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। चलिए मैं आपको फॉलो करके दिखाता हूँ तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको ओके पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो अब क्या करना है कि हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा। आपका थोड़ा नीचे करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा थ्री लाइन। थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है इसको फिक्स करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ जाता है, तो आपको हेल्प एंड इस पर क्लिक करना है, हेल्प वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हेल्प वाले सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएगा। तो इसको बैक करेंगे, इसके ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का URL एक ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद अपना इशूज के ऊपर क्लिक करना है, ये रहा इशूज, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स फिर से इसी पे आ गया, सॉरी, नीचे जाना है आपको और यहाँ पे बग्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा था तो यहाँ पर लिख देना है डियर इंस्टाग्राम। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, और इसको आपको कॉपी कर लेना है, ऑल सेलेक्ट करके आपको यही लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर अप्रूवेड आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप चाहे तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश हो रहा है तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक कर दीजिए, फिर से बैक कीजिए, अभी जाइएगा नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है प्रोसेस। एक बार और बैक कर दीजिए फिर से, और इसी वाले ऑप्शंस पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है रिपोर्ट प्रॉब्लम पे। फिर से यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक बार फिर से करना होगा हमें। इस पे जाना है, हेल्प सेंटर पे जाना है, उप्स यहाँ आ गए हम फिर से। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिपोर्ट पे क्लिक करना है। एक बार फिर से मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इंस्टाग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पर हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रॉब्लम रिपोर्ट करना है, और यहाँ पे प्रॉब्लम रिपोर्ट फिर से आएगा तो इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाना है ऐड गैलरी पिक्चर करना है। यहाँ से आपका जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लगाना है, और यहाँ पे वो लिखना है जो कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ से सबमिट कर देना है, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बीच में आपको ध्यान रखना है, किसी को भी फॉलो अनफॉलो नहीं करना है, नहीं तो आपका अकाउंट हमेशा ऐसे ही बैन रहेगा, हो सकता है परमानेंटली भी बैन हो जाए। तो आप इस बीच में किसी को फॉलो अनफॉलो और लाइक ना करें, बेशक 3 से 4 दिन में एक बार बस चेक कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं। उसके बाद आप जो मर्जी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।